जनपद संभल के चंदोसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा 370-35 ए पर दिए विवादित बयान को लेकर मुकदमा दर्ज करने के लिए कोतवाली प्रभारी को तहरीर दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 10 अक्टूबर को दिए अपने एक बयान में राष्ट्र विरोधी ताकतों, राष्ट्र विरोधी कानून का समर्थन कर भारत को कमजोर करने, देश की भोली भाली जनता को बरगला कर देंगे करवाकर पाक और चीन का खुला समर्थन किया, जिससे संपूर्ण भारतवासियों में गहरा रोष है। फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद से 370-35 ए को पुनः लागू करने की बात कही है। जब इस बात की जानकारी जनपद संभल के चंदोसी में भाजपा कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के विरुद्ध राष्ट्र विरोधी कृत्य की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए एक तहरीर कोतवाली प्रभारी को दी है, जिस पर कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद कार्यवाही करने की बात कही है। ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, ये जब हमारे इलेक्शन आने वाले होते हैं, मोदी जी ने पूरी देश को ऐसे संभाल रखा है, एक धारे में धागे में पिरो दिया है उन्होंने, लेकिन कुछ ताकतें, कुछ आतंकवादी गतिविधियां प्रबल हो रही हैं। उन्होंने हमारे देश में जो हमारे मोदी जी ने एक ऐतिहासिक जो 370 हटाई थी, तो उसके लिए कि दोबारा से ये फारूक अब्दुल्ला ने चीन के साथ में बोला है कि अगर हम एक हो जाएं तो हम दोबारा से 370 धारा जो है वो हम हटवा सकते हैं, लगवा सकते हैं दोबारा से, ताकि फिर से वहाँ आतंकवाद पनपने लगे और फिर से हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करे जाने का वहाँ जो भी एजेंडा है वो तैयार किया जा सके। लेकिन हम लोग, हम पूरे समस्त राष्ट्र, समस्त पूरे भारतवासी, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग शपथ लेते हैं कि हम दोबारा से वहाँ 370 नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको मोदी जी संज्ञान में लेकर आएंगे कि उसके बाद ये जनसंख्या नियंत्रण वाला जो कानून है, उसके बाद ये ताकतें फिर से जैसे उठी हैं वैसे ही दब जाएंगी। 10 तारीख को फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, एक विवादित बयान आया कि हम 370 और 35 ए को बहाल करने के लिए चाइना की मदद लेंगे। मैं आज कोतवाली में, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके खिलाफ़ FIR लिखाने आए हैं, और मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसी विपरीत मानसिकता के लोगों को, जो और मुसलमान लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे मुसलमान समाज के नेता को पाकिस्तान भेजने का काम करा जाए, उनके खिलाफ़ FIR दर्ज करके उन्हें फांसी पर लटकाने का काम करा जाए, जिससे आने वाले समय में कुछ विपरीत मानसिकता के लोग इस भारत के दो भाग करने की ना सोचें, यहाँ पे राजनीति करने की ना सोचें। हमारा देश निरंतर विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, परंतु कुछ देश के विपरीत मानसिकता के लोग रोज़ ये बयान देकर देश को खंजित करने का काम कर रहे हैं। 10 तारीख को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने एक बहुत घिनौना और गंदा बयान दे करके हिंदुस्तान में गंदी राजनीति करने का काम किया है, उन्होंने ये कहा है कि 370 ए और 35 ए जो कानून बना करके संसद ने ख़त्म कर दिया है, उन्होंने ये कहा है कि हम चीन के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से इन धाराओं के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं को जम्मू कश्मीर में बहाल करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो लाभ नहीं मिल रहे जो देश के अन्य भागों में लाभ पहुंच रहे हैं, जबकि सारे लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को विगत 70 सालों से मिलते रहे हैं, परंतु इस कृत्य को कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज देश में जो हालात चल रहे हैं, चीन ने राइफलें तान रखी हैं, पाकिस्तान ने हमारी तरफ गोले बरसाने शुरू कर दिए हैं, और ऐसे दुश्मन के फेवर में, ऐसे दुश्मन को साथ लेकर के हिंदुस्तान पर जो कायराना आघात किया है फारूक अब्दुल्ला ने, हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और मुकदमा दर्ज होने के बाद हम ये दबाव बनाएंगे, अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस धरने पर बैठ जाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला को आप गिरफ्तार करके लाइए, ऐसे कृत्य को, ऐसे गंदे राजनीतिक को हम जूतों से भी मारें तो भी कम है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री श्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा एक राष्ट्रविरोधी बयान दिया गया है, इसके संबंध में संगोष्ठी के सभी भाजपाई आए हैं और एक तहरीर दी है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये उच्चाधिकारी परामर्श के बाद ही हम कुछ
दे पाएंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि एफ आई आर